नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज़। सड़क सुरक्षा सप्ताह के छठवें दिन जिला पुलिस व यातायात पुलिस के अधिकारियों द्वारा एक साथ 100 शैक्षणिक संस्थानों में यातायात नियमों का प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें यातायात के तमाम बड़े अधिकारी व कर्मचारी यातायात नियमों का प्रशिक्षण देते नजर आए। वहीं कल्याण कॉलेज में SP अजय यादव ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि नियमों का पालन करना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। वाहन चलाने वाला यदि नियमों की अनदेखी करता है तो उसके पीछे बैठे व्यक्ति को भी इसका नुकसान उठाना। कई बार ये देखें कि अगर जो सड़क में इन्फोर्समेंट की कमी और लोगों के नियमों के पालन नहीं करना, दोनों कारण सामने आए, जिसके कारण बहुत अधिक संख्या में लोग कार्रवाई हो रहे हैं, एक्सीडेंट के केसेस हो रहे हैं, इसको कम करने का प्रयास है। और दूसरा ये है कि जागरूकता लोगों में फैले, क्योंकि सड़क सुरक्षा एक ऐसी चीज़ है जिसका सिर्फ और सिर्फ कानून का डर दिखा करके पालन नहीं किया जा सकता। इसका पालन करने के लिए लोगों को स्वयं जागरूक होना होगा और सबको ये समझने की जरूरत है कि सड़क पर सुरक्षा जो है सिर्फ उनके नहीं दूसरे के जीवन से जुड़ी हुई है। अगर मैं गाड़ी गलत चला रहा हूँ तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं ही उसका नुकसान उठाऊंगा, मेरे गलती के कारण दूसरा आदमी जो सही चला रहा है उसका भी नुकसान हो सकता है। वहीं बुधवार को सड़क सुरक्षा सप्ताह के पांचवें दिन सिविक सेंटर से मुर्गा चौक तक साइकिल रैली निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में छात्रों ने हिस्सा लिया था। क्या करना है क्या नहीं करना है इस संबंध में बताया है,